हाँ तो रोस्टो, राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स के Q3 के नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जो रेवेन्यू का नंबर है वो पिछले क्वार्टर के कंपेरिजन में 5% से बड़ा है और ये नंबर आया है 1001 करोड़ पे। और जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो यहाँ पे 15% से बड़ी है और ये नंबर 51 करोड़ पे आया है। तो देखा जाए तो ये जो क्वार्टरली बेसिस का परफॉर्मेंस है ये कंपनी का काफ़ी अच्छा रहा है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी कंपनी के रेवेन्यू के नंबर हमें 38% से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और जो प्रॉफिटेबिलिटी वो 70% से बड़ी है और ये नंबर आया है 51 करोड़ पे। तो देखा जाए तो ऑल ओवर कंपनी के नंबर्स अच्छे हैं। जो नेट प्रॉफिट का मार्जिन है जो कि अभी हमें लगभग 5% का देखने को मिल रहा है, ये धीरे धीरे जैसे जैसे कंपनी का जो डेट है वो कम हो जाएगा तो ये नेट प्रॉफिट का मार्जिन हमें 8 से 9% तक जाता हुआ नजर आएगा। तो ये जो पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, यहाँ पे जो चाइना का जो बेनिफिट हमें पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को मिल रहा है, तो इसीलिए मेरे ख्याल से कम 1 से 2 साल के लिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बुलिश हूँ। अब देखिए 521 पे ये स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है और अभी देखा जाए तो अपने 5 साल के ऑल टाइम हाई से लगभग 25 रुपीज़ ये स्टॉक अभी नीचे ट्रेड कर रहा है, यानी कि लगभग 3 से 4% ये स्टॉक अभी नीचे ट्रेड कर रहा है। तो देखिए, मेरे ख्याल से अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो डेफिनेटली इन्वेस्ट किया जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे रेवेन्यू का ग्रोथ कंपनी ने दिखाया है और जो डेट जिस तरीके से इन्होंने कम किया है तो ये काफ़ी अच्छा रहा है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। और अगर शॉर्ट टर्म की बात करेंगे तो नंबर काफ़ी फिनोमिनल है, मुझे लगता है कि 10 से 15% का अपसाइड हमें यहाँ पे डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। दोस्तों, मैं होप करता हूँ कि RSWM के Q3 के नंबर्स के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।